और चलिए सीधे किस तरीके से पूरे देश में कोविड के मामलों में धीमी गति से ही सही लेकिन इजाफा हो रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है मेदांता के यतिन मेहता जी। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया मरनाऊ में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सर कई जगहों से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो कोरोना के मामले, हालांकि पिछले कुछ महीनों की अगर बात की जाए तो मामलों में गिरावट थी, जिससे हर तरफ अगर देखें तो सभी राज्य ने मास्क को इवन अनिवार्यता से हटा दिया था कि आपकी इच्छा है, स्वेच्छा से अगर आप मास्क पहनना चाहते हैं तो लगाइए, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन फिर से एक बार देख रहे हैं कि धीमी गति से ये जो है कि धीरे धीरे जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, और सबसे बदहाल स्थिति तो राजधानी दिल्ली की है। देखिए, इसमें ऐसा है कि मास्क हटाने की जो एडवाइजरी दी कि मैं मास्क जरूरी कंपलसरी नहीं है, वो मेरे ख्याल से प्री मेच्योर थी। वो इतनी जल्दी हमें नहीं कहना चाहिए था कि कोरोना की लड़ाई हम जीत गए हैं। इसलिए जो सेफ डिस्टेंसिंग और जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हम लोगों को जारी रखना चाहिए। और दूसरा ये कि वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगाई है, जिनको बूस्टर नहीं लगा है, और या जिनको वैक्सीन सेकेंड डोज ड्यू है, वो लगा लीजिए। क्योंकि ये देखा गया है कि जिनको वैक्सीन दो लगे हैं या जिनको बूस्टर लगा है, उनका रिस्क बहुत कम हो जाता है हॉस्पिटल में भर्ती होने का। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, आपने वैक्सीन अगर नहीं लगाया है, आपका ड्यू है, लगवाइए और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखिए। क्योंकि दिल्ली में 1000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और आप सब जगह बाहर जाके देखिए, सब जगह सब खुल गया है, कोई मास्क नहीं पहन रहा, भीड़ भाड़ सब हो रही है, शादियां हो रही है। इसलिए हम लोगों को ये आवश्यक है कि हम लोग ये सावधानी बरते, नहीं तो हम भी जो यूरोप में हुआ है, अमेरिका में भी जो हुआ है, इंग्लैंड में चल रहा है, वो हम लोगों का भी हालत ऐसे ही होगा जो चीन में अभी है। नहीं तो अगर अभी इस सावधानी बरतेंगे तो हम लोग अभी बच जाएंगे। जी जी, यतिन जी आप हमारे साथ बने रहिए, जल्दी से दिल्ली के क्या हालात हैं उस पर हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े, दोबारा आपके पास मैं लौटूंगी। आलोक, सबसे बदतर दशा तो राजधानी दिल्ली की है, खासतौर पर यहाँ देखा जा रहा है कि वहां पर दोबारा से मास्क को अनिवार्य किया गया है, और ऐसे कौन सी पाबंदियां हैं जिनको राज्य सरकार सोच रही कि उसे लागू कर दिया जाए ताकि ये जो 1000 के ऊपर आलोक मामले आए हैं, ये मामले दोबारा से और ज्यादा ना बढ़े, उनको कम किया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, कई रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सरकार लगा सकती है, और इसी तरह से अगर केसेस बढ़ते रहे दिल्ली में तो जरूर है कि दिल्ली सरकार, जो कि डीडीएमए की बैठक होती रहती है, वो जरूर सोचेगी कि और क्या क्या प्रावधान लाया जा सकता है ताकि रिस्ट्रिक्शंस जब लगेंगी तो केसेस कम हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो 2500 केसेस ऑन एन एवरेज पिछले 3-4 दिन से पूरे भारतवर्ष में आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर, और उन 2400-2500 केसेस में से केवल राजधानी से ही 1000 केसेस आ रहे हैं, यानी कि राजधानी की हालत ज्यादा खराब है। हालांकि एक बात यह भी है कि राजधानी में टेस्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि पूरे भारतवर्ष में अगर टेस्ट ज्यादा होंगे, दूसरे स्टेट्स जो है ज्यादा टेस्ट करेंगे तो वहां पर भी स्थिति वैसे ही हो जाएगी। जैसे अगर आप देखें तो नोएडा हो चाहे गाजियाबाद हो, जो कि एनसीआर क्षेत्र है, वहां पर भी केसेस लगातार बढ़ने शुरू हो चुके हैं। स्कूलों में बच्चों को कोविड होना शुरू हो चुका है, हालांकि वहां पर भी उनको वैक्सीनेशन भी कराए जा रहे हैं। तो स्थिति जो है वो चिंताजनक है। लेकिन अगर हम कहें तो जिस तरीके से मीटिंग्स होती रहती हैं सरकार की, अभी हमें ये पता चला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, खासतौर पर प्रधानमंत्री खुद मीटिंग लेने जा रहे हैं और कोविड की स्थिति का जायजा लेंगे, उसमें चीफ सेक्रेटरी से भी बात करेंगे, उसमें हो सकता है कि अगर स्थिति ऐसी बढ़ती रही तो कुछ और दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और सारे स्टेट्स को लागू करना पड़ेगा। अभी मास्क मैंडेट किया गया है, और मैं एक और बात बता दूं, जब से मास्क मैंडेटरी हुआ है ऐसा नहीं है कि लोग जो है मास्क लगाने लग रहे हो, अभी भी लोग जो है काफी आम तरीके से सोच रहे हैं कि कोविड चला गया है और वो मास्क लगाए हुए हमें नहीं दिखाई देते। दिल्ली हो या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हो, नोएडा, गाजियाबाद, कहीं पर भी आपको मास्क लगाए हुए लोग बहुत कम ही दिखाई देंगे। मैं जहां जिस मार्केट में खड़ा हूं, अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूं, वहीं पर आप देखिए बिना मास्क के लोग दिखाई देंगे। तो ये स्थिति रहती है जो है ज्यादातर जगहों पर, और इसी के कारण से कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी आलोक, जल्दी से एक चीज बताइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा सिर्फ मास्क लगाना अनिवार्य किया गया, तो और किसी तरीके का कोई नया स्टेप जो है वो राज्य सरकार की तरफ से लागू नहीं किया गया है? जी अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है, बस इतना स्कूलों को कहा गया है
कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग और बच्चों को बकायदा सैनिटाइजेशन का भी बारे में बहुत महत्व बताया जाए और क्लासेस को सैनिटाइज किया जाए, ये एक चीज किया गया है। और रैंडम टेस्ट किया जा रहा है, हालांकि ऐसा सरकार ने कहा है रैंडम टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन हमें कहीं दिखाई नहीं देता, यानी कि मार्केट्स में जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके वहां पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। तो ये सारे प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। जी जी आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए हमें। और दोबारा से एक बार चलेंगे, हमारे मेहमान यतीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने भी सुना किस तरीके से हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि मार्केट में है, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन लोग मास्क लगा नहीं रहे क्योंकि लोगों को आदत हो गई है ढील की। उस ढील की लोग एक तरीके से गैर जिम्मेदार शायद हो गए हैं कि अब तो कोरोना गया, उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं। शायद जो आंकड़े कोरोना के आ रहे हैं उससे भी लोग एकदम निश्चिंत हो चुके हैं कि कहां कोरोना फैली कहां रहा है, जो मास्क लगाए। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, अभी तुरंत अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी वो पांच चीजें हैं जो सरकार को तुरंत कर देना चाहिए, ताकि जैसे विदेशों में हमने देखा चीन में मामले बढ़ रहे हैं, साउथ अफ्रीका में मामले बढ़े थे, तो वो मामले, वो नजारा, या भारत जैसा अपने पास्ट में गवाह बना है वो दशा फिर से ना हो, ऐसी कौन सी त्वरित पांच चीजें की जाए। देखिए, मैंने बताया कि वैक्सीन सारे जिन्होंने नहीं लगवाया जरूर लगवाए, बड़ी गैदरिंग्स को फॉरबिड कर देना चाहिए, मास्क मैंडेटरी सब जगह होना चाहिए, जिसमें फाइन होना चाहिए कि बिना किसी पनिशमेंट के लोग हिंदुस्तान में नहीं करते फॉलो एडवाइजरी पे, इसलिए वो बिल्कुल जरूरी है। और फिर जिसको, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हुआ तो हेल्थ अथॉरिटीज को इमीडिएटली बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ आइसोलेट कर देना चाहिए, नहीं तो वो सारा स्प्रेड करेंगे। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि पब्लिक को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को खांसी जुकाम ये सब होता है, वो कहते हैं कि शायद कोविड है लेकिन हम तो टेस्ट नहीं करा रहे। अगर आप लोग टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपके फैमिली मेंबर्स को होगा और आपके नेबर्स को होगा, आपके रिश्तेदारों को होगा और सब जगह कम्युनिटी में फैलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि किसी को भी इस वक्त खांसी जुकाम नजला बुखार हो तो पहले ही सोचिए कि ये शायद कोविड हो, और कोविड का टेस्ट आप जरूरी करवाइए, उसको छुपाने से सबको नुकसान ही होता है। जी यतीन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अपने फैमिली मेंबर्स की बात की, खासतौर पर अगर देखें सबके लिए वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन जो 5 से 11 साल के बच्चे जिनके इमरजेंसी वैक्सीन की सिफारिश भी की गई है, अगर जैसा जानकार भी कह रहे हैं कि अगर ये कोरोना की लहर आती है तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो क्या लगता है उस वैक्सीन को तुरंत मार्केट में ला देना चाहिए या इन बच्चों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है कि खतरा बच्चों के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि जो लोग हैं परिवार के जो सदस्य हैं वो बाहर जाते हैं, जब स्कूल खुल गए हैं, उनके माता पिता बाहर नौकरी पे जाते हैं, तो पूरा मार्केट खुला हुआ है, ऐसे में जो 5 से 11 साल के बच्चे हैं उनके लिए डर संभव है इस वक्त। वो एक्सपर्ट कमिटी ने रेकमेंड किया है तो वो जल्दी ही सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। बात सच्ची है कि वो स्कूल में मिलेंगे, एक दूसरे को देंगे, लेकिन ये भी गलत फहमी है कि बच्चों को ज्यादा सीवियर कोविड होता है, वो बात सही नहीं है। बच्चों में इंसिडेंस शायद ज्यादा बढ़ा है दूसरी ये इस लास्ट वेव में, लेकिन सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो उनमें इतना खतरा ज्यादा बच्चों में नहीं होता। इसलिए फिर भी वैक्सीन सबको जो स्कूल जाते हैं उनको लगवाना चाहिए और तुरंत सरकार को अप्रूवल दे देना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड किया है। जी जी यतीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए।